नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। आज डायनामिक टॉक्स की सीरीज के अंदर मेरे साथ है एक बहुत ही यंग डायनामिक होम्योपैथ जो नागपुर के पास कामठी करके एक छोटा सा शहर है, वहाँ से बिलोंग करते हैं और उनका नाम है डॉक्टर इफ़त गाजिया। इफ़त कोइंसिडेंटली आज एक साल पूरा हो गया है उनके क्लिनिक के लिए, सो हैप्पी एनिवर्सरी टू योर क्लिनिक। बहुत इनएक्सपीरियंस से चालू किया था और एक साल के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आ गया है, फिर भी उनको कुछ क्वेश्चंस है उनके पास जिस तरह से पेशेंट्स आते हैं, तो आज इफ़त क्या पूछना चाहेंगे? सर, जैसे पेशेंट कोलैप्स होकर आता है क्लिनिक में कोलैप्स हो जाता है, कोलैप्स का मतलब होता है शॉक, मतलब पेशेंट आ रहा है अच्छा खासा था और सडनली डाउन हो गया। अभी शब्द को समझना पड़ेगा। सबसे पहला काम कोई भी फिजिशियन हो, चाहे वो होम्योपैथ हो, कोई भी फिजिशियन हो, सबसे पहले उसको देखना पड़ता है पल्स, नर्व्स चल रही है कि नहीं, पल्स चल रही है कि नहीं, चल रही तो बराबर चल रही है कि नहीं, लपडप 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 कि बहुत फास्ट बहुत स्लो। सेकेंड चीज जो है वो है सांस ले रहा है कि नहीं पेशेंट, तो हम ए बी सी बोलते हैं, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन मतलब पल्स देख लिया, ब्रीदिंग देख लिया, और अगर हमारे कोलैप क्लिनिक में है तो हम बीपी ले सकते हैं, तो बहुत अच्छा, बीपी दे देंगे कि कितना है बीपी, ठीक है। अब होम्योपैथ है क्लिनिक में ही है या घर पे है, और घर पे अगर आपके पास होम्योपैथी दवा है तो सबसे पहले तो उसको एक कंफर्टेबल जगह पर लेटाएंगे, पंखा ये करेंगे, एंड उसको हो सके अगर बीपी कम है, अक्सर कोलैप्स का मतलब बीपी कम हो जाना है, नहीं मिलता बीपी, तो हम ऐसे लेटाएंगे, यानी सिर नीचे पैर ऊपर, यानी बेड के ऊपर ऐसे लेटाएंगे जहाँ पैर साइड ऊपर है और सिर नीचे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड, अगर ब्रीदिंग बिल्कुल नहीं है, पल्स भी नहीं लग रही, तो हम कार्डियक मसाज देंगे छाती के ऊपर, कार्डियक मसाज। ये एक हर एक होम्योपैथ को सीख लेना चाहिए, बहुत ईजी है उसको। एंड द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस अगर बीपी बिल्कुल कम है तो वो है कार्बोवेज, एंड कार्बोवेज शुड बी गिवन इन एज हाई पोटेंसी एज पॉसिबल। हम लोग अक्सर 1 mg पोटेंसी चालू करते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं। अब पेशेंट तो कोलैप्स में है, मतलब होश में है तो बहुत अच्छा, नहीं तो भी ओरली डिस्कस करें तो पिल्स में देना ईजी है रादर देन लिक्विड फॉर्म। और अगर लिक्विड फॉर्म में है आपके पास, 2-3 ड्रॉप्स आप होट के इसमें डाल सकते हैं। डाल नहीं पाए तो किसी और को बोलना पड़ेगा कि वो चेस्ट पे, यानी नॉन हेरी स्किन पे रब कर सकते हैं, और टिल फर्दर हेल्प अराइव्स, या फिर आप आईवी फ्लूइड्स अगर आप चालू कर सकते हैं, ये सेकेंडरी चीज़ हुआ। लेकिन उसका एयरवे पहले देखने का, आप ऐसे सेटअप में हैं जहाँ ट्यूब डाल सकते हैं, अगर उसका ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं है तो वो कीजिए। इनफैक्ट ये बेसिक चीज़ भी एक होम्योपैथ को सीख लेना चाहिए, हाउ टू इंसर्ट अ ट्यूब इन इमरजेंसीज। इमरजेंसीज बोल के नहीं आती, और थोड़े बहुत इक्विपमेंट्स भी अपने क्लिनिक में रख लेने चाहिए, कभी ना कभी जिंदगी में कभी यूज पड़ जाए तो वो इक्विपमेंट्स काम में आ जाते हैं। सो दिस इज हाउ अ होम्योपैथ शुड जनरली हैंडल कोलैप्स। कार्बोवेज अकेला मेडिसिन नहीं है। अगर साइनोसिस बीपी बहुत कम है, इसको भी कोलैप्स बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल बीपी लगभग 120-130/80-85-82 है, लेकिन अभी पेशेंट का बीपी है 80/60, ठीक है, और उसको नीलापन नहीं, कोलैप्स के लिए कार्बोवेज देने के लिए थोड़ा सा नीलापन साइनोसिस होना जरूरी है, या जबान में, इसमें लिप्स में एंड टंग, सपोज नहीं है वो अच्छा है तो सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस इज कैम्फर। हमने बहुत सारे पेशेंट को कैम्फर से बचाया हुआ है, कोलैप्स के पेशेंट को, जब तक एक प्रॉपर हेल्प नहीं मिलती है, जब तक उसका बीपी धीरे धीरे आता नहीं। कितने टाइम पे रिपीट करना चाहिए, इट कैन बी 5 मिनट्स, इट कैन बी 3 मिनट्स 10 मिनट्स, टोटली डिपेंड ऑन द पेशेंट। सो दिस इज हाउ वी मैनेज कोलैप्स विद होम्योपैथी। थैंक यू।